थैंक यू। आदरणीय प्रिंसिपल सर, यहाँ पे मौजूद सभी शिक्षकगण एवं सभी छात्र छात्राएं, आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे दिवस है, आप लोगों ने जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए आर्ट एंड कल्चर के प्रोफेसर इंचार्ज मनोज कुमार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये परंपरा चली आ रही है हमारे भारत में, शिक्षक और शिक्षा दोनों का एक कोरिलेशन है। हमारा देश सदियों से ही विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। ये जो ट्रेडिशनल बना हुआ है कि शिक्षक के प्रति सम्मान देना, हमारा जो देश है, हमारा जो जीन है, उसमें समाया हुआ है कि हमें शिक्षक को आदर करना है, अनुशासन बनाए रखना है। इसी के तौर पे आज हम लोग 5 सितंबर के दिन इसी चीज को अपने व्यवहारिक जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। एक शिक्षक ही है जो आपके अंदर की प्रतिभा को जानता है कि आपके अंदर क्या है, आपके पोटेंशियल को सही डायरेक्शन देना, सही मायने में वो टीचर है। तौर पे देखें, मान लो कि क्रिकेट का ही उदाहरण ले लें, कोई बैट्समैन आता है ये बैट्समैन के रूप में, लेकिन वो उसका जो कोच होता है वो पहचान लेता है इसके अंदर बॉलिंग करने की भी काबिलियत है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वीरेंद्र सहवाग की बात करें, सौरव गांगुली की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, उनके जो कोच है उसको पहचान लिया कि नहीं, इसके अंदर विकेट कीपिंग का गुण है। अगर वो फुटबॉल खेलते रहते तो शायद वो उतना सक्सेस नहीं हो पाते जितना कि आज विश्व क्रिकेट में इतना महान नाम रोशन किए हैं। शिक्षक का काम है कि आपके प्रतिभा को सही डायरेक्शन दें। ओके, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, शिक्षक और गुरु, गुरु और ईश्वर, दोनों में जब फर्क करने की बात आती है तो लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम किसको ज़्यादा सम्मान करें, शिक्षक को सम्मान करें या ईश्वर को सम्मान करें। ओके, तो एक ऋषि मुनि थे, सामने बैठे हुए थे, उनके साथ ईश्वर भी आए और उनका गुरु भी आए। उनसे ये कहा गया कि आप सबसे पहले किसको विश कीजिएगा। ऋषि मुनि ने सबसे पहले ईश्वर को, सबसे पहले गुरु को विश किया। तब ईश्वर ने पूछा ऐसा क्यों, क्या मैं तो ईश्वर हूँ, मेरे पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, फिर भी आपने गुरु को ही क्यों प्रणाम किया। तो ऋषि मुनि का कहना था, यही वो गुरु हैं जिसने मुझे बताया कि आप ईश्वर हैं। इसलिए गुरु का महत्व हर जगह है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।